नमस्कार। आज आप लोग को जो हम मिलाने जा रहे हैं, ये शख्सियत हैं भरत चौधरी जी। भरत चौधरी जी का आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना उम्र हो सकता है। लगभग ये 78 से 80 साल के बीच इनका उम्र है और 1962 से ये चाय का दुकान लगाए हुए हैं, शुरू किए अपना छोटा सा चाय का दुकान इनका है। और ये चाय का दुकान है सो आप देखिए, ये जगह है, ये बड़ियार, इसको कचहरी चौराहा बोला जाता है और ये मोतिहारी का कचहरी है। आप देखिए यहाँ पे कचहरी सेंटर है मोतिहारी का, वहाँ पर ये भरत जी का छोटा सा चाय का दुकान है जो 1962 से। ये सिर्फ हमारा दिखाने का मकसद ये है कि देखिए, जो आज भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो कितना परिश्रम करते हैं। और आज भी हमारे ज़्यादातर यूथ है जो इस ठंड में घर में अपनी रजाई में दुबके हुए हैं, और बुज़ुर्ग जो हैं पुराने, आज जो आज लगभग भरत जी का उम्र आप खुद अंदाज़ा देख के ही लगा सकते हैं कि भरत जी लगभग 80 के आसपास हैं और आज भी चाय बनाकर ये छोटी सी चाय का दुकान। देखिए, मेरा दिखाने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ व्यूवर्स को आए और यहाँ चाय ज़रूर पिएँ सब लोग आकर, यहाँ पर मोतिहारी के कचहरी के आसपास के जो हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और भरत जी ये छोटी सी चाय की दुकान से आज भी अपने परिवार के पोता पोती तक का खर्च दे रहे हैं। मैंने आप सोचिए कि एक बच्चे के बच्चे का भी खर्च चला रहे हैं। तो मैं भरत जी से बात करना चाहूँगा। भरत जी, कुछ अपने विषय में बताइए। अपना विषय में क्या बताएं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना बेटा बेटी का शादी ब्याह कर दिए, घर दुआर बना लिए, वहाँ रहता है। बस मैंने भरत जी का कहना है कि भरत जी अपने बच्चों का भी सब शादी होती है इसी छोटे से चाय के दुकान से। इस छोटे से चाय के दुकान से इन्होंने भरत जी अपने बच्चों का सब शादी विवाह भी कर चुके हैं और इसी छोटी सी चाय के दुकान से बच्चों के बच्चे का भी खर्च चला रहे हैं। तो ये भरत जी जो है देखिए कितना परिश्रम करते हैं। तो भरत जी का जो कहना है कि इन्होंने 1962 से ये काम कर रहे हैं, भाई छोटे से चाय का दुकान आप देख रहे हैं। हमारे समझ से मुश्किल से इस चाय का दुकान का कॉस्टिंग हम लगाएं तो 2000 रुपये का दुकान, 2500 रुपये का दुकान होगा। ये 2500 के दुकान से भरत जी ने पूरे परिवार, अपने बच्चों की शादी भी कर दी है, उनके बच्चों की आज पढ़ाई लिखाई परवरिश भी कर रहे हैं। ये बुज़ुर्ग जो व्यक्ति हैं भरत जी, इनके पास किसी ने मुझे बोला था कि वहाँ पर एक बार जाइए। तो मैं ये सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि युवाओं को ऐसे बुज़ुर्ग से प्रेरित लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। ऐसे लोग प्रेरणा के एक बोला जाए तो बहुत बड़े अपने प्रेरक हैं, बहुत बड़े मैंने एक बुज़ुर्गों में ऐसे प्रेरक हैं जो न पढ़े लिखे हुए कर भी प्रेरक रूप में अपने कार्य के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत दूसरों को सीख दे रहे हैं। भरत जी, मैं सिर्फ आपसे 2-3 बातें हम करना चाहेंगे कि बच्चे लोग क्या करते हैं। बच्चे लोग वो काम करता है, हनुमान आराधना में अपना बाजा उजा रहता है, कमाता है, उससे बात सीखता है। ये वो है तो अपना कोई बिजनेस करता है, वो हमसे हमको दिमाग में वो नहीं है। मैंने आप ये सोचिए कि बुज़ुर्ग को ये भी नहीं पता है हमारे, एक हनुमान आराधना करते हैं, एक घर में क्या बच्चे करते हैं। मतलब ये है कि सिर्फ भरत जी अपने काम में इतने व्यस्त हैं। आप कितने बजे भरत जी आ जाते हैं? हम यहाँ 4 बजे भोर में आ जाते हैं। आप सोचिए, सोच के भी आप देखिए, शरीर ने इस ठंड के मौसम में जब पारा इतना कम है, जो रजाई से लोग 9 बजे 8 बजे ड्यूटी जाते वक्त निकलते हैं, भरत जी सुबह 4 बजे आ जाते हैं। 4 बजे से कितने बजे तक रहते हैं? हम यहाँ से 6 बजे तक रहते हैं। 4 बजे से 6 बजे, सुबह 4 बजे, आप सोच रहे हैं, सुबह 4 बजे ये बुज़ुर्ग व्यक्ति अपनी चाय की दुकान खोल देते हैं और सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहते हैं। चलिए मैं कुछ बातें करता हूँ। आप कब से आते हैं यहाँ पर, कब से आ रहे हैं? पहली बार आए हूँ। आप पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। आप लोगों में से मैं, आप चाय पी रहे हैं, भरत जी के पास कब से आ रहे हैं? बहुत दिन से, हम लोग अब बूढ़ा हो गए, बचपन से देख रहे हूँ। आपका शुभ नाम? मोहम्मद अलाउद्दीन। मोहम्मद अलाउद्दीन जी है। मोहम्मद अलाउद्दीन जी का कहना है हम बचपन से इनके यहाँ चाय पीने आ रहे हैं और देख रहे हैं इनको चाय बेचते हुए। तो मोहम्मद अलाउद्दीन जी, मैं जानना चाहता हूँ क्या भरत जी शुरू से ही ऐसे ही हैं? हाँ, ऐसे ही चाय बेचते हैं। चाय बेचते हुए शुरू से ही संघर्ष भरत जी कर रहे हैं। तो देखिए, मैं इसलिए अलाउद्दीन जी से बात किया कि देखिए भरत जी शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं और एक छोटी सी दुकान से सुबह 4 बजे आते हैं और 4 बजे से आके 6 बजे तक रहते हैं और इतना परिश्रम करते हैं। देखिए भरत जी का, आप खुद दूरी से मैं भरत जी को दिखा रहा, देखिए भरत जी को देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। शारीरिक रूप से भी भरत जी उतने मजबूत नहीं हैं, लेकिन देखिए परिश्रम से नहीं थक रहे हैं कि कहीं ना कहीं सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। देखिए, संपत्ति से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा सोच से होता है कि भरत जी किसी पे आश्रित नहीं है, उन्हें अपने आप पे विश्वास है। तो आइए मैं इधर से ही बात, आप यहीं पे रहते हैं?
आप क्या करते हैं, जोर से बोलिए। हम सर रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं जी। आप भी भरत जी के यहाँ ही चाय पीने आते हैं हमेशा? हाँ। कब से आते हैं? लगभग मैं 35% 35 साल। हाँ। अब देखिए ये जो बाबा हैं 35 साल से रिक्शा चला रहे हैं और भरत जी के यहाँ चाय पीने आते हैं। बाबा आपके बच्चे क्या करते हैं? सड़क पर आते हैं सर, सड़क पर बालू वाले गिराते हैं। बालू वाले गिराते हैं। आपका उम्र कितना होगा? हमारी उम्र है सर 65 के करीब। 65 के करीब आपका उम्र है। कितने बजे आते हैं रिक्शा चलाने? हम सर आते हैं 9:30 करीब। देखिए भरत जी के साथ एक लोग आए सज्जन से, एक बाबा से मुलाकात हो गई, जो सुबह करीब करीब ये भी 9:30-10 बजे ये भी आते हैं चाय इनके पास रिक्शा चलाते हैं और चाय पीने आते हैं। 35 साल से भी रिक्शा चला कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो कहा जाता है ना, ईमानदारी जो लोग होते हैं, ईमानदारी करने वाले जो लोग होते हैं, ईमानदार जो लोग होते हैं वो परिश्रम से नहीं घबराते हैं, अपने काम को करते रहते हैं। नहीं, ये देखिए फल वाले हैं भैया, फल वाले से मैं भरत जी के संदर्भ में बात करना चाहूँगा। भैया भरत जी को आप कब से जानते हैं? बहुत दिन हो गया, 20 साल से जानते हैं कारीगर। आप भी 20 साल से यहाँ फल की दुकान चला रहे हैं? हाँ। ये भी भैया 20 साल से फल की दुकान अपना चला रहे हैं कचहरी चौराहे पे। अभी भरत जी को जानते हैं? जानते हैं। 20 साल से भरत जी को देख रहे हैं चाय बेचते हुए। हाँ। तो देखिए कहीं ना कहीं इस चीज़ें दिखाने का मेरा मतलब ये है कि देखिए ऐसे ऐसे लोग इस धरती पर हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारते हैं और संघर्ष करते रहते हैं, और भरत जी उसी में से एक नाम है जो आज शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हुए भी कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं अंदर से समझे, और इस छोटी सी चाय के दुकान से अपने बच्चों को भी दो खानदान को पाल रहे हैं। तो आइए भरत जी से, भरत जी आप एक चीज़ बताइए हमें ये बात कि आखिर, अच्छा आपके घर में आपकी पत्नी? हमारा पत्नी हो गया है 8 वर्ष, अपाहिज हो गया है, हार्ली से मार दिया। अब देखिए ये कष्ट बोला जाता है ना, देखिए दूसरे रहते हैं तो रोते हैं, 10 जगह बातें करते हैं। देखिए भरत जी के साथ इतने कष्ट है, बच्चों के बच्चों को भी पाल रहे हैं और भरत जी की पत्नी 8 साल से लकवा ग्रस्त हैं, 8 साल से बिछावन पे पड़ी हुई हैं, और उसमें भरत जी सुबह 4 बजे आते हैं और 4 बजे से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। तो साथियों मैं इसीलिए आप लोग को दिखा रहा हूँ, यदि आप मोतिहारी के हैं तो भरत जी को ज़रूर सपोर्ट करिए, अब भरत जी के यहाँ चाय पीने ज़रूर आया करिए, क्योंकि आप लोगों के बदौलत ही भरत जी अपने परिवार को सबको लेकर चल रहे हैं। और भरत जी जैसे व्यक्ति बनने की कोशिश हम जो लोग छोटे जिनके पास रोज़गार नहीं है, छोटे छोटे रोज़गार करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, वो भरत जी जैसा छोटे छोटे रोज़गार करें और सुबह 4 बजे उठकर, मतलब कि परिश्रम करना सीखें, मेहनत करना सीखें, मेहनत से नहीं भागे। धन्यवाद साथियों। देखिए भरत जी के चाय के दुकान पे ये सभी लोग हैं जो यूथ है, आज के यूथ है, जो कहीं ना कहीं बुजुर्गों से जुड़े हुए हैं, बुजुर्गों के साथ है। देखिए आर्थिक रूप से कोई दूसरा तो ऐसे स्वाभिमानी भरत जी जैसे लोग हैं जो किसी से दान और दक्षिणा नहीं लेते, बल्कि अपनी चाय बेचकर वो कमा रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं। और हम जानना चाहेंगे आपका सर नाम क्या है? अमरेंद्र पाठक। पाठक जी कुछ हमें बताइए अपने, कब से आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ मैं काफ़ी दिन से आता हूँ यहाँ पर, और अंकल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, अपने जीवन पालने के लिए जो चाय बनाते हैं और बच्चों को पालते हैं, और अच्छा इनका बिजनेस चलता है, अच्छे से रहते हैं और व्यवहार जो इनकी अच्छी है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश नहीं चाहता हूँ कि हाँ जो भी गरीब बंदे बुजुर्ग आदमी है वो अपने कोई ना कोई काम करके अपने बच्चों को जो है उपार्जन कर सके, बच्चों को शिक्षा देकर आगे बढ़ा। तो कैसे भरत जी जैसे लोगों को कैसे सपोर्ट करेगा कोई? ये तो बूढ़े आदमी के लिए तो बहुत कम लोग सपोर्ट करता है, लेकिन जो जो समझदार बंदे हैं इनको जो है सपोर्ट करते हैं, नहीं इनको मेहनत करते हैं, अच्छा से इनको बोले। और तो यही मैं यही चाहूँगा कि मेरे यूथ जो हैं ऐसे शहर में, मोतिहारी शहर में जितने बुजुर्ग लोग जहाँ जहाँ भी छोटे छोटे दुकान लेकर व्यवसाय लेकर बैठे हुए हैं, चाहे छोटा सब्जी का दुकान हो, चाहे फल फ्रूट का दुकान हो, किसी प्रकार का शॉप हो, जो मोतिहारी में कहीं भी गली में कहीं भी दुकान खोल के बैठे हैं, उनके यहाँ जाकर खरीदारी करें। बुजुर्गों के यहाँ खरीदारी करने में शर्म न करें, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत बड़े बड़े जगह जाकर वो अपना फैशनेबल स्टाइल्स में जो खरीदारी करते हैं, अपने स्टेटस बनाते हैं, उस स्टेटस में से 10% स्टेटस जो है गरीबों के यहाँ वो खर्च करें,
अपने पैसे की जो जमा पूंजी है उसमें से 2% पूंजी इन गरीबों के यहाँ खरीदारी कर जो भी हो, चाय पीना हो, कोई चीज़ खरीदना हो, ताकि बुजुर्गों का परिवार चल सके, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई आशा नहीं है, इनके पास वही एक आशा है, हम सभी हैं, आप सभी हैं, आप ही लोग इनको सपोर्ट कर सकते हैं। अरे हम इन लोगों के चलते से बढ़ाना है ना, इन लोगों काम जो रोजगार हम ही तो बढ़ाएंगे ना, इन्हीं को रोजगार बढ़ेगा ना। जी जी, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी व्यक्तिगत स्तर पर अपने जानने वाले सबको ये बोला करें कि ऐसे बुजुर्गों के यहाँ चाय पिए, जो खरीदारी करना है खरीदारी करें और सपोर्ट करें। ठीक है।